तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक एमसीक्यू का सेट लेकर आया हूं जो कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र वीओई 2023 एग्जाम के दौरान पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग पेपर फर्स्ट के जितने भी एमसीक्यू है, इसमें 10 एमसीक्यू दिया हुआ है, तो 10 एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग पेपर फर्स्ट के जितने भी एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट केमिकल डोजिंग विद ए स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर पंप प्रेफर्ड इज, यानी कि हमारा जो पंप का डिस्चार्ज है वो बहुत ही कम होना चाहिए लेकिन हाई प्रेशर से होना चाहिए, जैसे कि हम लोग एचपी डोजिंग में करते हैं, है ना, बॉयलर में एचपी डोजिंग। तो एचपी डोजिंग हमारा किस टाइप का रहता है, तो रेसिप्रोकेटिंग रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो है हमारा ए का 4th, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोग इस जगह पे लगाएंगे जहां पे हमें स्मॉल डिस्चार्ज का जरूरत हो लेकिन हाई प्रेशर का जरूरत हो। तो इस तरह से हमारा पहले का ए का जो ऑप्शन होगा वो है 4। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि बी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंस इन द फ्लू गैस ऑफ द बॉयलर इज एन इंडिकेशन ऑफ, यानी कि फ्लू गैस में, किसी बॉयलर के फ्लू गैस में अगर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज हाई दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, हमारा CO परसेंटेज हाई है, इसका मतलब कि हमारा जो फ्यूल है उसका कंबस्टन नहीं हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि लो एक्सेस एयर, यह करेक्ट होने वाला है, क्योंकि अगर हमारा एक्सेस एयर कम रहेगा तो हमारा जो CO है वो ज्यादा दिखाएगा। इस तरह से हमारा बी का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 3, यानी कि लो एक्सेस एयर। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सी नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अ बॉयलर द बिगेस्ट हीट लॉस इज ड्यू टू, यानी कि बॉयलर में सबसे ज्यादा हीट लॉस किसकी वजह से होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चिमनी से जो फ्लू गैस निकलता है उसमें एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जो कि बहुत बड़ा हीट लेकर के निकल जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बॉयलर में सबसे ज्यादा हीट लॉस उसी फ्लू गैस की वजह से होता है, यानी कि बॉयलर में सबसे बड़ा हीट लॉस अज्यूम किया जाता है ड्राई फ्लू गैस लॉस को। तो यहां पे सी का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन 2nd। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि डी क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट इज। तो देखिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए, क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे हमारा जो स्टीम का प्रेशर होता है वो 221 बार होता है और टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस पॉइंट पे जो वाटर है वो डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे वाटर को किसी हीट एडिशन का यानी कि लैटेंट हीट एडिशन का जरूरत नहीं पड़ता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है क्रिटिकल पॉइंट पे वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, यानी कि कोई भी लैटेंट हीट का एडिशन नहीं करना पड़ता है। इस तरह से हमारा डी का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन 3rd। ये अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि ई क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ बाइमेटेलिक स्ट्रिप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स, यानी कि इनमें से कौन सा ट्रैप है जिसमें हम लोग बाइमेटेलिक स्ट्रिप का यूज करते हैं। तो देखिए, हमारा जो थर्मोस्टेटिक ट्रैप है जिसका एक एग्जांपल है बाइमेटेलिक स्ट्रिप, या हमारा जो बेलो टाइप का जो ट्रैप होता है, वो दोनों इस थर्मोस्टेटिक का एक एग्जांपल है जो कि जैसे टेम्परेचर मिलता है तो एक्सपेंड हो जाता है और जैसे लो टेम्परेचर होता है तो कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर मिलेगा तो हमारा जो वाल्व है उसको बंद कर देता है, जैसे ही हमारा लो टेम्परेचर होगा वाल्व ओपन होगा और हमारा कंडेंसेट निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो मेनली थर्मोस्टेटिक ट्रैप जो होता है उसमें यूज देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा ई का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन 2nd। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि एफ क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड वेलोसिटी एंड गैस वेलोसिटी इन एफबीसी बॉयलर इज कॉल्ड। तो देखिए, इसको हम लोग स्लीप वेलोसिटी बोलते हैं। तो डायरेक्ट हमारा एफ का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन 3rd। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि जी क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टीम एट 6 kg/cm² एब्सोल्यूट हैज अ सेंसिबल हीट ऑफ 159 kcal/kg एंड लैटेंट हीट इज
498.5 किलो कैलोरी पर केजी। इफ द स्टीम इज 95% ड्राई देन टोटल एंथैल्पी इज, यानी कि यहाँ पे स्टीम का कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है जो कि 95% है, यानी कि इसके अंदर 5% मॉइस्चर भी मौजूद है। यानी कि यह किस टाइप का स्टीम है, तो वेट स्टीम है जिसका सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टोटल हीट यानी कि टोटल एंथैल्पी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वेट स्टीम का जो एंथैल्पी होता है उसका फॉर्मूला होता है कि सेंसिबल हीट प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू लैटेंट हीट, यानी कि यहाँ पे हमारा सेंसिबल हीट है 159 और प्लस कर देना है ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है 0.95 इनटू 498.5 कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो 632.5 किलो कैलोरी पर केजी, जो कि हमारा 633 किलो कैलोरी पर केजी के इक्विवेलेंट है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन 4, यानी कि जी का जो करेक्ट हो जाएगा वो है 4th। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि एच क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑपरेटिंग एक्सेस एयर परसेंटेज इज हाई इन, यानी कि इनमें से कौन सा बॉयलर है जिसमें हम लोग हाई एक्सेस से बॉयलर को ऑपरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्प्रेडर स्टॉकर कोल फायर्ड बॉयलर है ना, इसमें सबसे ज्यादा एक्सेस एयर का जरूरत पड़ेगा कंपेयर टू ऑयल फायर्ड बॉयलर या बैगैस फायर्ड बॉयलर या वुड फायर्ड बॉयलर। तो यहाँ पे जो हमारा एच का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन 1, यानी कि स्प्रेडर स्टॉकर कोल फायर्ड बॉयलर में सबसे ज्यादा एक्सेस एयर का जरूरत पड़ेगा इन सारे बॉयलर को कंपेयर करने के बाद। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि आई क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ द एक्सेस एयर इज 15.38%, एक्सेस एयर दिया हुआ है 15.38% इन एफओ यानी कि फर्नेस ऑयल फायर्ड बॉयलर में, तो हमारा द परसेंटेज ऑफ ओटू इन फ्लू गैसेज यानी कि हमारा जो फ्लू गैस का परसेंटेज है ओटू में वो कितना होगा अगर हमारा एक्सेस एयर जो है वो 15.38% है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेस एयर परसेंटेज इक्वल टू होता है O2 परसेंटेज डिवाइड 21 माइनस O2 परसेंटेज इनटू 100। तो जब हम लोग इसका यहाँ पे वैल्यू रखेंगे यानी कि एक्सेस एयर का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 15.38, तो यहाँ पे रख देंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू O2 परसेंटेज, इसको हम लोग 100 O2 परसेंटेज लिख सकते हैं और डिवाइड क्या हो जाएगा 21 माइनस O2 परसेंटेज। तो जब हम लोग 21 माइनस O2 परसेंटेज को 15.38 के तरफ लाएंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा यानी कि 15.38 इंटू 21 माइनस O2 परसेंटेज इक्वल टू 100 O2 परसेंटेज। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 15.38 इंटू 21 करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 322.98 हो जाएगा माइनस 15.38 O2 हो जाएगा और इक्वल टू 100 O2 हो जाएगा। तो हम लोग O2 को एक तरफ ले जाएंगे तो हमारा 100 प्लस 15.38 O2 हो जाएगा और इधर 322.98। तो जब हम लोग O2 का परसेंटेज निकालेंगे तो 322.98 डिवाइड 115.38, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.8 हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो O2 परसेंटेज होगा वो कितना होगा 2.8%। इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है सेकंड, यानी कि आई का जो करेक्ट आंसर होगा वो है सेकंड 2.8%। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं जो कि जे क्वेश्चन नंबर है जिसमें पूछा गया है अ टेम्परेचर इज डन टू, अ टेम्परेचर क्यों करते हैं। तो ये सिंपल सा चीज है स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन सेकंड, यानी कि अ टेम्परेचर इज डन टू कंट्रोल द स्टीम टेम्परेचर। तो ये हुआ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेपर का जितने भी एमसीक्यू था उसका डिटेल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।